ओके करो। नाजरीन, इस वक्त वायरल न्यूज लाइव से हमारे अड़ावत के रिपोर्टर फारूक शाह हमसे जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि अड़ावत ग्राम पंचायत के सामने पानी पुरवठा और सफाई कामगार के तकरीबन 51 कर्मचारियों ने जो है वो हड़ताल बोल दिया है, संप कर दिया है और वो ग्राम पंचायत के सामने नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उनकी 5-6-7 महीने से जो पगार रुकी हुई है, पेमेंट रुकी हुई है, उसको फौरन दिया जाए। और इसी समय मुस्लिम सेवा संघ के जहांगीर खान भी यहां पहुंचे हैं और वह भी कर्मचारियों के साथ मिलकर उनको उन्होंने पाठिंबा दिया है, सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान थोड़ी देर के बाद फारूक शाह हमें बता रहे हैं कि यहां पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान अधिकारी आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कर्मचारियों को कि उनकी 4 महीने की पेमेंट पगार दे दी जाएगी। फारूक शाह के साथ मैं मुफ्ती हारून नदवी, वायरल न्यूज लाइव, हेड ऑफिस जलगांव। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है जो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है और काम बंद आंदोलन का इशारा दिया है। हमारी मांगे ऐसी है कि हमारे 6-6, 7-7 महीने के पगार रुके हुए हैं और बाकी कुछ हमारे कर्मचारी या वाटर सप्लाई के उनके 1-1, 2-2 साल से फ्रॉडन फंड के पैसे भरे हुए नहीं हैं और उसके बाद हमारे जो बीमे हैं वो बीमों के भी पैसे भरे हुए नहीं हैं। इसके लिए हमारे को अगर कभी भविष्य में कुछ अड़चन आती है तो हमारे लिए पैसा देना यहाँ कुछ भी नहीं है और ग्राम पंचायत के अंदर हमारे को पगार ही नहीं है तो हमारा बाकी पैसा कहाँ से। मैं सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ जलगांव जिले के CO साहब से कि ये ग्राम पंचायत के ऊपर तात्काल ये जो कर्मचारी संप के ऊपर गए हुए हैं इनको न्याय दिया जाए। मैं अभी ग्राम पंचायत कार्यालय के नीचे खड़ा हूँ, ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर ग्राम सेवक भी अभी तक उपस्थित नहीं है, उनका मोबाइल लगाओ, मोबाइल भी लग नहीं रहा। और ये गंभीर मुद्दा है कि जो कर्मचारी एक छोटे से देहात के अंदर, छोटे से गाँव के अंदर इतना सब सुविधा देने के बाद में अगर इनका PF है, इनका GPF है और इनका बीमा है, जो जो स्कीम है शासन की, ये इनको मिलनी चाहिए। ये रास्ता आंदोलन को भारतीय कामगार संगठन कर्मचारी अधिकारी महासंघ से मैं इनको जाहिर पाठिंबा देता हूँ। वारंवार अड़ाव ग्राम पंचायत महाराष्ट्र नवनिर्माण संघतर्फे अड़ाव ग्राम पंचायत कर्मचारी आहेत त्यांच्या ऑफिस पगाराचं आणि फंडिंगचं आपलं बोलून ते वारंवार टाळाटाळ करत आहेत आणि कर्मचारींची आजची जी अवस्था आहे की हायड्रोलिकचे टाके आणलेले त्यांनी कचऱ्याच्या ओला कचरा कोला कचरा ठिकाणी काही कर्मचाऱ्यांना आजारी पडतात त्या टायमाला जर त्यांचा पगार होत नसता त्यांना हॉस्पिटलला यायचा खर्च त्यांच्याकडे निघत नसता त्या टायमाला ग्रामपंचायत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है उनकी जितनी भी मांगे हैं, जो भी मांगे हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो। अड़ावत शहर से कैमरामैन इकराम उल हक के साथ मैं फारूक शाह नुमानी, वायरल न्यूज जलगांव।